आजकल का मनुष्य कैसा हो गया है, इसके अंदर जो जो गुण थे, कर्तव्य परायणता, सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या, प्रेम, भाईचारा, अपनापन, इसके अंदर कहाँ गए ये सारे के सारे गुण? एकदम से समाप्त हो गए, कोई गुण ही नजर नहीं आता। सबके सब के अंदर भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, काम भरा हुआ है, दुर्गुण भरे हुए हैं, व्यभिचार भरा हुआ है, दुराचार भरा हुआ है, पाखंड भरा हुआ है, दंभ भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, अंदर से बहुत सी बीमारियां भरी हुई हैं इस प्रकार की, और इतना अपने को ठूस ठूस करके भर लिया है, एक शब्द भी अंदर तक नहीं जाने देते। क्या हालत हो गई है इस संसार की कि जहां देखो वहां लड़ाइयां, जहां देखो वहां युद्ध, जहां देखो वहां अहंकार, सब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं। अरे ये तो साधारण जीवों की हालत है, गुरुओं की क्या हालत हो गई है? आज उसको वहां से पकड़ लिया, आज उसको वहां से उठा लिया, आज उसने ये कर दिया, आज वो शराब पीता हुआ मिला, आज वो अय्याशी करता, क्या हालत हो गई है ये? क्या चल रहा है? सारा सब कुछ बदल गया है, अहंकार में भर गया है सब कुछ, अपने से श्रेष्ठ कोई नहीं दिखना चाहता, किसी को नहीं देखना, किसी को नहीं मानना, परमात्मा के नाम के ऊपर कितना पाखंड चल रहा है, कितना दिखावा चल रहा है, क्या खेल हो रहा है, आप नजर दौड़ा करके देखिए अपने चारों तरफ। बहुत ही भयपूर्ण माहौल पैदा किया गया है कि वहां जाकर के आपको नरक के अंदर जला दिया जाएगा, वहां तेल के कढ़ाइयों में डाल करके उबाला जाएगा, अरे आज एकादशी है ये दान कर दो नहीं तो आपको ये दोष लग जाएगा। क्या खेल चल रहा है ये? आपने समझा है कभी इसको कि एक दूसरे से मिल करके आपके साथ भावनाओं के साथ खेल खेल रहे हैं, भागवत के नाम पर खेल हो रहा है, पाठ के नाम के ऊपर खेल हो रहा है, और किसी के नाम के ऊपर खेल हो रहा है, परमात्मा के नाम के ऊपर खेल हो रहा है, भ्रमित किए जाते हैं, भागम भाग मची हुई है, दुर्गुणों से भरे हुए लोग, वो क्रोध से भरे हुए लोग, अहंकार से भरे हुए लोग, कोई एक प्रश्न कर दे आग उगलने लगते हैं। आग ये नहीं कि चुप हो जाए, नहीं चुप नहीं होंगे, आग उगलेंगे वो, और कुछ भी बोल देंगे, सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, अहंकार नीचे नहीं गिरने देते। भजन के नाम के ऊपर क्या है उनके पास, जरा उनको झिझोड़ करके देखिए, कुछ नहीं मिलेगा। भजन के नाम के ऊपर, स्मरण के नाम के ऊपर, चढ़ाई के नाम के ऊपर क्या है उनके पास, कुछ भी नहीं, बस वस्त्रों का ढेर है, बदल बदल करके खेलते रहते हैं। इसे ज्यादा क्या है, आश्रमों की लाइनें होंगी और छोटी मोटी चीजें होंगी और कुछ नहीं मिलेगा। आप चढ़ाई देखोगे तो इस धरती के ऊपर गिने चुने संत मिलेंगे आपको, बड़े तेज अहंकार में बोलते हुए मिल जाएंगे, अरे मैं देवी का भक्त हूँ, धरती के ऊपर सबसे बड़ा मैं ही हूँ। क्या बोल रहे हो आप? आपको समझ आती है क्या ये बातें कि ये बोल क्या रहे हो आप लोग, क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हो? अरे आप तो उस स्थिति तक भी नहीं गए हो जहाँ हमारे सिद्धों का वास है, जहाँ परम तत्व का वास है, जहाँ से गुरु उतर करके आते हैं, आप तो वहाँ तक पहुँचे भी नहीं हो, आपकी तो सोच भी नहीं है, आपकी तो चढ़ाई भी नहीं है, कैसे पहुँच पाओगे आप लोग? बस अहंकार का प्रदर्शन करो अपना कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। जो करते हैं वो छटपटाते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं, जो सिद्ध हैं उन्हें मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं होती, उनको पता है वो किस स्थिति में है, और अगर आपके पास वो नजरें हैं तो आप भी देख सकते कि कौन किस स्थिति में है, कौन क्या है, किसको क्या जानकारी है। छोटी मोटी सिद्धियां हो जाने से कोई उस स्थिति में नहीं पहुंच जाता, कोई परम तत्व तक नहीं पहुंच जाता। कम से कम इंसान को इंसान तो बने रहने दो,
कम से कम इंसान को इंसानियत का तो उपदेश दो। जब आप लोगों की ये हालत है तो आपके शिष्यों की क्या हालत होगी, लोगों की क्या हालत होगी, समाज की क्या हालत होगी, धर्म की क्या हालत होगी। क्या चल रहा है ये खेल धर्म के साथ, धर्म के नाम के ऊपर क्या चल रहा है ये आपने गौर किया है कभी? तो आपके अंदर जो ये कमियां छुपी पड़ी हैं, इनको एक एक करके कोशिश कीजिए कि इनके ऊपर काबू पाया जाए, कैसे सुधार किया जाए। तो जब गुरुओं की यह हालत है, जा का गुरु है आंध्रा चेला निर खरा निरंद, कि जो गुरु ही अंधा है तो चेले की क्या हालत होगी। अंधे को अंधा मिला पड़ा काल के फंद, जब अंधे को अंधा, जिसको खुद ही दिखाई नहीं देता वो दूसरे की आंखें क्या बनेगा, वो दूसरे की आंखें क्या खोलेगा, किस प्रकार से उस मार्ग के ऊपर लेकर के जाएगा। जब रास्ते का ही नहीं पता वो कैसे उसको उठाएगा। ये हालात हो गए हैं, खुद को भी दिखाई नहीं देता, सामने वाले को भी दिखाई नहीं दे, और दोनों एक जैसे हो जाएं और साथ मिल करके अहंकार में पुष्ट हो जाएं हम श्रेष्ठ हैं। वहाँ लड़ाई शब्दों की होती है, वहाँ लड़ाई ज्ञान की होती है, वहाँ लड़ाई प्रेम की होती है, वहाँ लड़ाई अहंकार की नहीं होती। तो आप अपने अंदर भक्ति पैदा कीजिए, अपने अंदर सगुण लाइए, दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास कीजिए।